हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 5 का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया था, जिस लेसन का नाम था फूड हेल्थ एंड डिजीज। फूड हेल्थ एंड डिजीज, इसमें हम लोग 5 क्लास पहले 5 लेक्चर पढ़ चुके थे, और जो मंडे को मैंने लेक्चर बनाया था वो सिर्फ रिवीजन का लेक्चर था। आज हम लोग आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन पढ़ा था, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिजीज़ के बारे में, है ना। चलिए, डिजीज़ क्या है इसी को हम लोग समझते हैं। डिजीज़, जिसे हिंदी में हम लोग बीमारी कहते हैं, तो ए डिजीज इज अ कंडीशन इन विच सर्टेन फंक्शन ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब। एक बीमारी क्या है, तो बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आपके शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं करता है, तो आपका हम कहते हैं कि वो हम बीमार हैं। इट मेक्स द पर्सन फील अनवेल, इसकी वजह से आदमी को, इंसान को, मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है, उसे ठीक महसूस नहीं होता है। तो बीमारी एक स्थिति है, बीमारी एक कंडीशन है जिसमें आपके शरीर का कोई अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और ऐसे कंडीशंस में आपको ठीक महसूस नहीं होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है। सर्टेन डिजीज आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बीमारियाँ बहुत तरह की हैं, बीमारियों के होने के बहुत सारे कारण हैं, तो कुछ बीमारियाँ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवा, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोरोना एक बीमारी है, वो एक वायरस की वजह से होती है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से वो हमको दिखाई नहीं दे सकते हैं, तो उनको देखने के लिए खास तरह का मशीन होता है, उस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप। उसका नाम ही है माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रो का मतलब छोटा और स्कोप का मतलब देखने वाला, यानी छोटी चीज़ों को देखने वाली जो मशीन है उसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। इनको देखना है तो बहुत हाई क्वालिटी का हम लोगों को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब ये हमको दिखाई देंगे, है ना। अब इनकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। देर आर मेनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी। मैंने बताया ही आपको कि बहुत तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया बहुत तरह का है, वायरस है तो बहुत तरह का वायरस, में से एक वायरस अभी चला हुआ है कोरोना वायरस, उस तरीके का प्रोटोजोआ भी है, फंगस भी है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म काउजेस डिजीज। अब इसमें से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण बीमारियां होती हैं, तो वैसे को हम लोग डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वैसे को हम जर्म्स या पैथोजेन्स कहते हैं, समझिएगा। मैंने बताया कि बैक्टीरिया है तो बहुत तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है तो बहुत तरह का वायरस है, तो इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती हैं, तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियां होती हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिजीज काउज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर उनका नाम है जर्म्स या पैथोजेन, जर्म्स या पैथोजेन। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां होती हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जर्म्स या पैथोजेन के नाम से जानते हैं, जर्म्स या पैथोजेन्स के नाम से जानते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेहतर भी हैं, हमारे लिए उपयोगी भी हैं, जैसे कि चीज, पीकल्स एंड कर्ड आर मेड विद द हेल्प ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे घर में चीज बनता है ना, दही जमता है, अचार लगाते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए फायदेमंद है ना। चलिए, तो हम लोग आज डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो डिजीज क्या है, तो डिजीज आपके शरीर की एक स्थिति है, एक कंडीशन है जिसमें आपके शरीर का कोई अंग सही ढंग से काम नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि हमको डिजीज है, हम बीमार हैं, और इस कंडीशन में आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अब बीमारियां होने के बहुत सारे कारण हैं,
कुछ बीमारियां कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए हमको हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये फंगस है। तो बैक्टीरिया भी है तो बहुत तरह का बैक्टीरिया है, वायरस भी है तो बहुत तरह का वायरस है ना। तो ये इन सब की वजह से बीमारियां भी होती हैं और ये हमारे लिए उपयोगी भी है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं उन्हें हम डिजीज काउज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या जर्म्स कहते हैं, या पैथोजेन्स कहते हैं। जर्म्स कहते हैं या पैथोजेन्स कहते हैं वैसी बीमारियों को। उसके बाद इन बीमारी कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं, जैसे कि हम दही जमाते हैं, चीज बनाते हैं, अचार लगाते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफी यूजफुल है, काफी उपयोगी है। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कॉम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक बीमार आदमी से एक अच्छे आदमी को भी हो जाती हैं, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना वाली बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है ना। तो वैसी बीमारियों को हम इन्फेक्टियस या कॉम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं, इन्फेक्टियस या कॉम्युनिकेबल डिजीज। कॉम्युनिकेबल मतलब एक बीमार आदमी से एक अच्छे आदमी में फैल जाना, जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, सर्दी वगैरह जो है, ये सब इन्फेक्टियस डिजीज है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल जाता है। एक बीमार आदमी, कॉम्युनिकेबल डिजीज कैन मेक हेल्दी पीपल सिक, मतलब कि एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी को भी ये बीमारियां हो सकती हैं। एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी में ये बीमारियां फैल सकती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या फिर हम इन्फेक्टियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। एट अ टाइम्स ए पर्सन हैविंग एन इन्फेक्टियस डिजीज इज शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर केयर। अब किसी आदमी को अगर इन्फेक्टियस डिजीज हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल में हम एडमिट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसकी देखभाल हो सके, है ना। अब नीचे आपको पेज नंबर 21 में एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में ये कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कॉलरा, काउज बाय बैक्टीरिया। कॉलरा एक बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये फैलता कैसे है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, ये आपको भोजन और पानी की मदद से फैलता है। अगर एक बीमार आदमी जिसको कॉलरा है वो खाना खाया, उसका जूठा खाना आप खा लीजिएगा तो आपको भी हो जाएगा, उसका जूठा पानी पी लीजिएगा तो आपको भी हो जाएगा। सिम्टम इसमें होता क्या है, तो बार बार वोमिटिंग होती है और वाटरी स्टूल्स होती है, मतलब कि पानी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, पानी की बहुत कमी हो जाती है। प्रिवेंशन, बचाव क्या है, तो अवॉइड फूड एंड वाटर फ्रॉम अनक्लीन सोर्सेस, कभी भी ऐसा भोजन ना करें, ऐसा पानी ना पिए जो गंदा हो या जो साफ जगह पर ना हो। साफ सफाई का काफी ख्याल रखेंगे तो आप कॉलरा से बच सकते हैं। इसके बाद टाइफाइड है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही होता है और ये भी फूड और वाटर से ही फैलता है। निशानी क्या है, बहुत तेज बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और पेट में भी दर्द होता है टाइफाइड में। इसका बचाव क्या है, तो मतलब साफ सुथरा खाना खाएं, पानी पिए, गंदा पानी या वैसी जगह का खाना ना खाएं जो जहाँ पर सफाई ना हो। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी निशानी है तेज बुखार होना, बदन दर्द होना, है ना, और ठंड लगना। प्रिवेंशन, बचाव, तो कभी भी जो है अपने घर के अगल बगल पानी जमा ना होने दें ताकि उसमें मच्छर पैदा हो जाएगा। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी गंदा पानी से फैलता है। इसकी निशानी क्या है, तो सूखा कफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा और कमजोरी महसूस होगी। इसका बचाव क्या है, तो सही तरीके से खाना खाना और इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है, जिस आदमी को टीबी है उसके कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है। उसके बाद रिंग वर्म हो जाता है ना, रिंग वर्म, दिनाए वगैरह बोलते हैं, गोल रहता है, दाना दाना, उसमें काफ़ी खुजली होती है।
इरिटेशन होता है, ये जो है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर एक आदमी को ये रिंग वर्म है तो उससे दूसरे को भी फैल सकता है। इसके निशानी क्या है, तो गोल दानेदार लाल हो जाएगा, नोचनी लगता है इसमें। इसमें आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, और जिसको रिंग वर्म है वैसे आदमी से दूरी बना करके रखनी होगी, है ना। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।